दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज टॉपिक, भुलाए जाने का अधिकार। एक केंद्र कानून की अनुपस्थिति में हाल ही में कई स्थानीय अदालतों द्वारा फैसला सुनाया गया है कि भुलाए जाने का अधिकार या अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार निजता के अधिकार में निहित है, जिसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों में विस्फोटक वृद्धि के साथ ही यह अधिकार दुनिया भर में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, किंतु कुछ देशों में इस अधिकार के संबंध में कानून बनाए गए हैं। भारत में लंबे समय से प्रतीक्षित डेटा संरक्षण विधेयक भुलाए जाने के अधिकार का समाधान करता है। क्या है पृष्ठभूमि? दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा कि भुलाए जाने का अधिकार निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन इस मामले में इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। विभिन्न अदालतों में दायर याचिकाओं में इस अधिकार को लागू करने की मांग की गई है। भुलाए जाने का अधिकार एक कानूनी सिद्धांत है, जिसे अभी तक भारत में कानून द्वारा समर्थन नहीं है। भुलाए जाने का अधिकार क्या है? भुलाए जाने के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इंटरनेट से उसकी निजी जानकारी को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अवधारणा को विदेशों में कुछ न्यायालयों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में मान्यता मिली हुई है। भारतीय संदर्भ में भुलाए जाने का अधिकार। भुलाए जाने का अधिकार व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत घोषित कर दिया गया था। अदालत ने उस समय कहा था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में रक्षित है। क्यों है मान्यता दिए जाने की आवश्यकता? इंटरनेट से निजी जानकारी, पिछले दोष सिद्धि और कार्यवाही के अदालती रिकॉर्ड और पिछली घटनाओं की समाचार रिपोर्ट को हटाने की मांग से संबंधित कम से कम 8 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के सक्षम लंबित हैं, और इस संदर्भ में अदालतों से अब कुछ ही लोगों को राहत मिल पाई है। किन देशों में लागू है इस प्रकार के कानून? यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा संरक्षण विनियम 2015 में रूस ने एक कानून बनाया गया, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं को अप्रासंगिकता, अशुद्ध और कानून के उल्लंघन के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी के लिंक को हटाने के लिए एक सर्च इंजन को विवश करने की अनुमति दी गई है। भुलाए जाने के अधिकार को कुछ हद तक तुर्की और साइबेरिया में भी मान्यता प्राप्त है, जबकि स्पेन और इंग्लैंड की अदालतों ने इस विषय पर कुछ निर्णय दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक, भारत ने किया रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर का निर्यात, निर्यात आयात 1 खरब डॉलर के पार। चालू वित्त वर्ष में भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 417.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें गैर ईडीआई बंदरगाहों के आंकड़े शामिल नहीं हैं, और इन्हें जोड़ने पर इस आंकड़े के भारत के निर्यात इतिहास में एक सर्वकालीन उच्च 418 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। कोरोना की चुनौतियों के बीच मोदी सरकार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तुओं का निर्यात 418 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आयात भी 610 अरब डॉलर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को वित्त वर्ष 2021-22 के व्यापार आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में देश ने 40 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो एक महीने में निर्यात का सर्वोच्च स्तर है। इससे पहले मार्च 2021 में निर्यात का आंकड़ा 34 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का वस्तु व्यापार 1 खरब डॉलर के पार चला गया, क्योंकि देश का आयात भी 610 अरब डॉलर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। किस देश को भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किया? आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में 292 अरब डॉलर का निर्यात किया। वर्ष 2021-22 में निर्यात आंकड़ा बड़ी बढ़त के साथ 418 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। गत 23 मार्च को देश ने 400 अरब डॉलर के निर्यात आंकड़े को पार कर लिया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत ने सबसे ज्यादा अमेरिका को निर्यात किया और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश एवं नीदरलैंड का स्थान रहा। उन्होंने कहा, भारत में वस्तुओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 417.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इस आंकड़े में गैर ईडीआई बंदरगाह से निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं और उसे जोड़ने पर निर्यात का पूरा आंकड़ा 418 अरब डॉलर के पार हो जाने की उम्मीद है। यह भारत के निर्यात इतिहास का सर्वकालीन उच्च स्तर है। गोयल ने कहा कि निर्यातकों एवं उद्योग संगठनों की कोशिशों, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और राज्य सरकारों के प्रयास ने इस उपलब्धि तक पहुंचने में योगदान दिया है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान निर्यात में दर्ज की गई इस सकारात्मक वृद्धि में पेट्रोलियम, सूती धागा एवं कपड़े, हथकरघा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, चमड़ा, रसायन, प्लास्टिक और समुद्री उत्पादकों का अहम योगदान रहा है। वर्ष 2021-22 में भारत का विविध निर्यात पोर्टफोलियो भारत की विनिर्माण क्षमताओं के साथ साथ आधुनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों में वृद्धि को दर्शाता है। किन किन क्षेत्रों में निर्यात में कितनी हुई वृद्धि? अप्रैल मार्च 2020-21 की तुलना में अप्रैल मार्च 2021-22 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में निम्नलिखित वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात किए गए व्यापारिक वस्तुओं की विविध श्रेणी के अलावा भारत के व्यापारिक निर्यात में विभिन्न देशों, विशेष रूप से विकसित देशों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की तुलना में इस बार अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नीदरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मन में निर्यात में क्रमशः 46.4%, 66.9%, 64.5%, 90.5%, 26.8%, 7.8%, 28%, 90.4% और 21.1% की वृद्धि हुई। श्री गोयल ने कहा कि कोविड की लगातार लहरों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार प्रदर्शन ने प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान लगातार 12 महीनों तक निर्यात 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा है। क्या है भविष्य की योजना? वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को मजबूत करने के लिए, घरेलू क्षमता वृद्धि के लिए कठोर प्रयास, उद्योग के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करके उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जहां भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निहित है। वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले
विनिर्माण के 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक, श्रीलंका आर्थिक संकट। वर्तमान में श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो चुकी है। श्रीलंका सरकार ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु भुगतान करने में असमर्थ है। इसी वजह से देश में 13 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। श्रीलंका के आम नागरिक भी आवश्यक वस्तुओं की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। बीते माह अर्थात फरवरी तक देश का कुल मुद्रा भंडार केवल 2.31 बिलियन डॉलर ही बचा था, जबकि इसको 2022 में लगभग 4 बिलियन डॉलर के ऋण चुकाना बाकी है। इस ऋण में जुलाई में परिपक्व होने वाला 1 बिलियन डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है। आखिर क्यों हुई श्रीलंका की ऐसी स्थिति? क्रमिक सरकारों द्वारा आर्थिक कुप्रबंधन। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने एक दोहरा घाटे बजट की कमी तथा चालू खाता घाटे की स्थिति उत्पन्न की और इसे जारी भी रखा। वर्तमान सरकार की लोक लुभावन नीतियां, उदाहरण के लिए करों में कटौती, महामारी का प्रभाव, देश की महत्वपूर्ण पर्यटन अर्थव्यवस्था में नुकसान और साथ ही विदेशी श्रमिकों द्वारा देश में भेजे जाने वाले धन में कमी। चावल उत्पाद की कमी। वर्ष 2021 में वर्तमान सरकार द्वारा सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने प्रस्ताव किया गया था, जिसे देश में चावल उत्पादन में भारी कमी हुई। हालांकि बाद में इस फैसले को उलट दिया गया था। भारत का सहयोग व भूमिका। भारत के साथ हस्ताक्षरित 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के अंतर्गत एक डीजल शिपमेंट के जल्द ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका और भारत ने भोजन और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका सरकार ने नई दिल्ली से कम 1 अरब डॉलर की मांग भी की है। श्रीलंका की मदद करना भारत के हित में क्यों? महत्वपूर्ण रूप से श्रीलंका का चीन के साथ में कोई भी मोहभंग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के स्टिंग ऑफ पर्ल्स के खेल से श्रीलंकाई द्वीप समूह को बाहर रखने के भारत के प्रयास को आसान बनाता है। इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति और प्रभाव को नियंत्रण करना भारत के हित में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक, मृत्युदंड। एक विशिष्ट मामले में उठाए गए मुद्दों की जांच करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालतों द्वारा मौत की सजा का फैसला सुनाने वाली प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय किया गया है। क्या है संबंधित प्रकरण? सितंबर 2021 से मौत की सजा की अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत कम जानकारी के साथ मौत की सजा सुनाई जा रही है। क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हालिया टिप्पणियां? बच्चन सिंह मामले के फैसले से संकेत लेते हुए मार्च 2022 में न्यायमूर्ति ललित ने मौत की सजा के मामलों पर एक व्याख्यान श्रृंखला में कहा था कि ऐसे मामले में अदालत की पूर्ण सहायता के लिए न केवल मामले से संबंधित सबूत पेश करने की आवश्यकता है, बल्कि कैदी के मानसिक स्वास्थ्य की नवीनतम स्थिति को भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले में किसी मृत्युदंड की सजा केवल दुर्लभतम अपराध के मामले में दिए जाने के सिद्धांत को स्थापित किया गया था
और सजा सुनाते समय अभियुक्तों के संबंध में उत्तेजक तथा गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों के तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया गया था। इस निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अदालत के लिए अपराध एवं अपराधी दोनों की जांच करनी चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि मामले से संबंधित तथ्यों के प्रकाश में मृत्युदंड ही एकमात्र उपयुक्त सजा है अथवा नहीं। इसके साथ ही मामले से संबंधित उत्तेजक तथा गंभीरता कम करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भरता बढ़ाने वाले कारकों पर जोर दिया गया था। माची सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्लभतम अपराध के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया और मौत की सजा के मामलों में कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए गए। उत्तेजक या भड़काऊ परिस्थितियों में अपराध करने का तरीका, अपराध करने का मकसद, अपराध की गंभीरता और अपराध से पीड़ित को शामिल किया गया था। गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों में किसी आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसके पिछले जीवन को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की हालिया फैसले में मृत्युदंड की प्रयोज्यता और अधिरोपण पर दिए गए सुझाव। सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को महज अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए मृत्युदंड की सजा के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में ऐसे कारकों पर भी समान रूप से विचार करना चाहिए जिसकी वजह से मृत्युदंड की सजा को कम करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि मृत्युदंड एक निवारक एवं उपयुक्त मामलों में उचित सजा के लिए समाज की मांग की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, किंतु दंड शास्त्र के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुआ है। अर्थात इन सिद्धांतों के अनुसार मानव जीवन, चाहे वह अभियुक्त ही क्यों ना हो, को रांछित किया जाना चाहिए जब तक कि अभियुक्त को मृत्युदंड देना अपरिहार्य ना हो जाए और इससे अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की संतुष्टि का सवाल सामने ना आ जाए। मौत की सजा को लंबा करने और पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत की टिप्पणियां। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के फांसी देने में देरी को मृत्युदंड को कम करने का आधार माना जा सकता है और कैदी और उसके रिश्तेदार या यहां तक कि कोई लोक भावना से भरा कोई उत्साही नागरिक इस तरह की सजा के लघुकरण किए जाने की मांग करते हुए एक रीट याचिका दायर कर सकता है। फैसले में यह कहा गया है कि मौत की सजा के निष्पादन को लंबे समय तक रोकने का सजा याफ्ता कैदियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है। इन कैदियों को उनकी दया याचिका के लंबित रहने के दौरान मौत की छाया में वर्षों तक इंतजार करने की पीड़ा का सामना करना पड़ता है और इस तरह के अत्यधिक देरी से निश्चित रूप से उनके शरीर और दिमाग पर एक दर्दनाक प्रभाव पड़ेगा। इसी वर्ष उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह कहा कि मौत की सजा प्राप्त अपराधी की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। इससे पहले ऐसे मामलों पर बिना किसी मौखिक बहस के जजों के चेंबर में 2 जजों की बेंचों द्वारा विचार किया जाता था। भविष्य की चुनौतियां। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्य की विशालता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में निचली अदालतों द्वारा 2022 से पहले ही 50 से अधिक लोगों को मृत्यु की सजा सुनाई जा चुकी है और इसमें अक्सर प्रक्रियात्मक और मूल कानूनों का उल्लंघन किया गया होता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत में सभी अदालतों में मौत की सजा सुनाए जाने में निष्पक्षता और अनुकूलता में संतुलन लाना आसान नहीं होगा, लेकिन अदालत द्वारा इस मामले को सीधा समाधान करने हेतु चुने जाना निश्चित रूप से उल्लेखनीय एवं सराहनीय योग्य है। क्या है सामूहिक विवेक?
क्या है सामूहिक विवेक? सामूहिक चेतना एक मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणा है जो किसी सामाजिक समूह या समाज के लिए सामान्य साझा विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों और जानकारी के समुच्चय को संदर्भित करती है। सामूहिक चेतना शब्द का इस्तेमाल मृत्युदंड को सही ठहराने के लिए एक आधार रूप में समाज के सामूहिक विवेक अथवा चेतना का इस्तेमाल पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 1943 में माची सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए किया था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगता है तो वह न्यायिक शक्ति धारकों से अभियुक्त को मौत की सजा देने की उम्मीद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक युद्ध अपराध। जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों ने रूस पर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीकी बूचा नामक शहर में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। हाल ही में बूचा नगर के मेयर ने कहा कि एक महीने की अवधि में कब्जे के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा 300 निवासियों को मार डाला गया है। ध्यातव्य है कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इन हताहत व्यक्तियों को एक सामूहिक कब्र में और गलियों में लेटे हुए देखा है। क्या है युद्ध अपराध? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों या शत्रु लड़ाकों के खिलाफ किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होता है। नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के विपरीत युद्ध अपराध को सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में किए जाने वाले अपराधों को शामिल किया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन में क्या है व्याख्या? वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित 4 जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध अपराधों का अर्थ स्पष्ट किया गया था। चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 147 में युद्ध अपराधों को जानबूझकर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने अथवा शरीर या स्वास्थ्य पर गंभीर चोट पहुंचाने, गैरकानूनी रूप से निर्वासन या स्थानांतरित करने, बंधक बनाने अथवा गैरकानूनी रूप से कैद करने, व्यापक स्तर पर विनाश करने और परिसंपत्तियों पर कब्जा करने सहित जानबूझकर हत्याएं, यातना देने, अन्य अमानवीय तरीकों और सैन्य जरूरतों के तहत गैर तर्कसंगत जानबूझकर और निर्दयता पूर्वक किए जाने वाले कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है युद्ध अपराध साबित करने की प्रक्रिया? यदि अभियोजकों द्वारा इस बात पर यकीन करने के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र में युद्ध अपराध किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए अभियोजक को किसी भी उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करना होगा। अधिकांश आरोपों के लिए अपराध करने की मंशा साबित करने की आवश्यकता होती है। यह साबित करने का एक तरीका यह भी है कि अभियोजक को दिखाना होगा कि हमले के क्षेत्र में कोई भी सैन्य लक्ष्य मौजूद नहीं थे और यह किया गया हमला कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या अब तक किसी पर दोष सिद्ध हुए हैं? अपने गठन के बाद से अब तक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा 30 मामलों की पड़ताल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीशों ने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप में 5 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है और 4 अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। कांगो के वॉरलॉस थॉमस लुम्बाग डायलो को 2012 में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने युगांडा में लॉर्ड्स रेसिस्टेंस आर्मी मिलिशिया समूह के नेता जोसेफ कोनी सहित
कई अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक, टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों में भविष्य में होने वाली भर्ती के लिए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। इसमें सेना पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की अवधारणा को आजमाएगी, जिसके तहत कुछ सैनिकों को 3 साल की निश्चित अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा को पहली बार 2020 में प्रस्तुत किया गया था। क्या है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल? सेना भर्ती का यह मॉडल युवा व्यक्तियों को स्वेच्छा से 3 साल की अस्थायी अवधि के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भर्ती स्वैच्छिक आधार पर होगी। यह प्रस्ताव उन युवाओं के लिए है जो रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु सैन्य सेवाओं के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा, नौकरी की अवधारणा से 3 साल के लिए इंटर्नशिप, अस्थायी अनुभव की ओर एक बदलाव है। हालांकि इस मॉडल के 2020 में प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में टूर ऑफ ड्यूटी का विस्तार अधिकारों के लिए किया गया था, किंतु फिलहाल अभी इसे जवानों तक ही सीमित रखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों के पास पहले से ही शॉर्ट सर्विस कमीशन का माध्यम उपलब्ध है। सरकार के लिए लाभ क्या क्या है? इससे संगठन को वेतन और ग्रेजुएटी भुगतान में कमी होने से भारी वित्तीय लाभ होगा। प्रति अधिकारी 3 साल की सेवा की लागत शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों पर होने वाले व्यय की तुलना में काफी कम होगी। 10 या 14 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पर 5 से 6.8 करोड़ रुपए का व्यय होता है, जिसमें कमीशन पूर्व परीक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेजुएटी, वैतनिक छुट्टियां आदि सम्मिलित होते हैं। जबकि 3 साल की सेवा के लिए प्रति अधिकारी मात्र 80 से 85 लाख रुपए का व्यय होगा। एसएससी अधिकारियों के पास स्थायी रूप से सेवा में शामिल होने का विकल्प होता है, जिससे पेंशन आदि अन्य व्यय में वृद्धि होती है। सेना में सैनिकों द्वारा आमतौर पर 14 साल तक सेवा प्रदान की जाती है। प्रति सैनिक पर आजीवन होने वाले व्यय की तुलना में 3 वर्षीय सेवा में प्रति व्यक्ति 11.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। नागरिकों और देश के लाभ क्या है? यह कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को उनकी क्षमता के सकारात्मक उपयोग में मदद करेगा। कठोर सैन्य परीक्षण से विकसित होने वाली आदतों से स्वस्थ नागरिक वर्ग विकसित होंगे। 3 साल तक सैन्य सेवा में रहने वाले प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वास, मेहनती और प्रतिबद्ध युवा पुरुषों या महिलाओं से पूरे राष्ट्र को लाभ होगा। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण ने संकेत दिया है कि कॉरपोरेट सेक्टर नए स्नातकों के बजाय इन युवाओं को नौकरी देने में वरीयता प्रदान करेगा। क्यों है आवश्यकता? सेना के वेतन और पेंशन व्यवसाय में पिछले वर्ष के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है और सेना के कुल बजट आवंटन का 60% हिस्सा इस पर व्यय होता है। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा वर्ष 2019 में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग में लगभग 14% स्थान रिक्त थे। इस योजना के समर्थक राष्ट्रवाद और देशभक्ति के पुनरोत्थान का भी हवाला देते हैं और हकीकत यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक वास्तविकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।